हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवटन गुरु। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12th टर्म 1 के सभी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले यार आप कमेंट में जाओ, उसके पहले मैं दिल से सॉरी आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, आज भी मैं पूरे दिन भर से घर से बाहर था, तो इस रीज़न से मैं वीडियो नहीं डाल पाया टाइम पे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी तो निभा देनी चाहिए। भले ही मैं सब बच्चों तक अब नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो बच्चे आज रात में पढ़ेंगे, जो बच्चे सुबह पढ़ेंगे, उनके पास अगर टाइम होगा तो वो ये वीडियो देख लेंगे, उनको हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बेटर लेट देन नेवर। आज के इस केस में बेटर सुपर लेट देन नेवर। लेकिन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट में आपके इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बहुत कॉम्पैक्ट वीडियो रखूंगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये भी बात कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उनके लिए प्रिपेयर करना है। आपको जितने भी बॉक्सेस हैं सारे के सारे इस पीपीटी में देखने को मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। सभी को टॉप से लेकर बॉटम तक आपको एक बार पढ़ लेना है। किस ऑर्डर में पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। सभी आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन या तो उन्हीं से आ जाएंगे, तो आपसे वो पढ़ के आप इजीली वहाँ पे आंसर कर पाओगे, या तो आपके चैप्टर से आ जाएंगे, तो आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी तो आपसे बन ही जाएंगे, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग से आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी जब एक बार आप इनको बस पढ़ लोगे। तो आपको सिंपल सा काम करना है, इनको रीड कर लेना फटाक से, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट इसमें नहीं होगा। इसके बाद मैंने ये काम कर दिया भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं जो पास्ट में आए हैं या फिर मुझे लगता है इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको मैंने ब्लू बैकग्राउंड के सामने डाल दिया है। जितने ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और समझने में डिफिकल्ट भी हैं, तो मैंने उनको इस वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया है, यानी कि कर दूंगा अभी मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। सीधे स्टार्ट करते हैं भाई। एक लास्ट बात की, किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है, पहले सारे ब्लू बैकग्राउंड वाले पढ़िए, उसके बाद बाकी पढ़िए। सारे ही आपको पढ़ना है, एक बार रीड करना है, आपसे बन जाएंगे। सीधे स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर नंबर 1 के साथ। तीन इसमें इमेजेस हैं, तीन बॉक्सेस हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बहुत ईजी वाला है, सेकेंड वाला भी ईजी है। इसमें हमारे पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ करी है यहाँ पे मैके जी ने। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा उसके बारे में बताया कि कैसे उसको बनाया जाता था, ऊपर से कवर किया जाता था लाइमस्टोन से या फिर लूज ब्रिक्स से, उसकी क्लीनिंग भी होती थी। ये भी बताया गया कि क्लीनिंग जब करते थे तो जो डेब्रिस निकलता था, यानी कि अंदर से जो मलबा निकलता था, उसको अक्सर वहाँ पे सिर्फ साइड में रख दिया जाता था, उनको वहाँ से हटाया नहीं जाता था। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, आपसे पूरा समझ में आ जाएगा। अब हमारे चैप्टर का जो आखिरी बॉक्स आता है, इसका सिर्फ जो फर्स्ट पैराग्राफ था, ये एक बार हमें बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला था पास्ट में, ये फिर से भी आ सकता है, हमें पूरा इसको एक बार रीड कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे जॉन मार्शल के बारे में का यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है। ये बताते हैं भाई कि 3 से 6 फीट की हमारी डेडमैन लेन थी, बहुत छोटी सी एल है, छोटी सी गली है। उसके बारे में इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि यहाँ पे हमें इतनी बॉडीज देखने को मिलती है, ऐसे पड़ी हुई देखने को मिलती है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में आर्यम वीला जी का पैराग्राफ निकल के आ जाता है। यहाँ पे ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऋग्वेद से को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि इंद्र जी को बताया जाता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर, तो हो सकता है इन्होंने ही यहाँ पे अटैक कर दिया हो, ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन हमें थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे इसके कॉन्ट्राडिक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा तो हमें कोई साइन नहीं देखने को मिलता कि यहाँ पे अटैक हुआ हो या फिर वॉर हुई हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पैराग्राफ टाइप का है कि भाई ऐसा भी कई बार हिस्ट्री में हो जाता है कि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग अलग थी और बाद में अलग हो गई। इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको अब समझ में आ जाएगा। अब हमारे चैप्टर 2 के हमारे बॉक्सेस आते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं इसमें, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला आता है हमारा एलिफेंट कैसे कैप्चर किए जाते थे। तो अर्थशास्त्र में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इसी में बताया गया कि एलिफेंट कैसे कैप्चर किए जाते थे। तो पूरा यहाँ पे एक टीम होती थी, सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते थे उनके वो होते थे, उनके साथ साथ एलिफेंट रेयर करने वाले होते थे, उनके साथ साथ ऐसे लोग होते थे जो एलिफेंट के पैर को चेन से बांधते थे, एलिफेंट के नर्स करने वाले लोग होते थे, फिर बाउंड्रीज को गार्ड करने वाले लोग होते थे। पूरी एक टीम होती थी जो कि बहुत सारे फीमेल एलिफेंट्स के साथ साथ फॉरेस्ट में जाती थी और एलिफेंट्स को कैप्चर करती थी। ग्रीक रिसोर्सेज में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बताया गया कि मॉडर्न रूलर की 600,000 की फुट सोल्जर की आर्मी थी, 30,000 कैवेलरी थी, यानी कि 30,000 हॉर्स में अटैक करने वाले लोग थे और 9,000 एलिफेंट्स थे। हालांकि कई जगहों पर बताया जाता है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि एग्जेजरेटेड नंबर्स थे। इसके बाद हमारा अगला वाला इंपॉर्टेंट आता है इन प्लेस ऑफ समुद्रगुप्त। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, एक किस चीज़ में यहाँ पे प्राग प्रशस्ति में क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारे समुद्रगुप्त जो रूलर थे उनकी तारीफें की गई हैं। इसको किसने लिखा है, हरिसेन जी ने, जो कि इनके समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उसने इसको लिखा है। तो इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त की तारीफ है, आप इसको पढ़ सकते हो कि ये इनका कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, अपने पैरों के सोल से इन्होंने पूरे बाकी किंग्स की फैंडम को, फेम को पूरा वाइप ऑफ कर दिया। इन्होंने सारे अच्छे एक्शंस किए हैं, इन्होंने बहुत सारे डोनेशंस किए हैं, पूरी यहाँ तक तारीफ की गई है। और एंड में इनको कुबेर, वरुण और इंद्र से
कंपेयर किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है भाई कि इनको कंपेयर क्यों किया गया है, तो बेसिकली इनको गॉड लाइक दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हो। इसके बाद ये आप देख सकते हो जितना पीडीएफ, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि छोटी मुझे वीडियो रखना है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइफ इन अ स्मॉल विलेज बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीन बताया गया है कि विलेज में किस तरीके की लाइफ होती है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ईजी सा पैराग्राफ है। अब आता है प्रभावती गुप्ता इन द विलेज ऑफ दानगुना, तो ये हमें देखने को मिलता है। प्रभावती गुप्ता एक विलेज दानगुना जिसका नाम है उसको डोनेट कर देती है एक ब्राह्मण को। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई कि डोनेट इस टाइप के डोनेशंस को हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अग्रहरा, जो कि एक ब्राह्मण को किए जाते हैं इस तरीके से। इसके बाद बेसिकली यहाँ पे होता है ये एक ऑर्डर इशू करती है कि कार्तिक मंथ की फोर्टनाइट को यानी 14th डे को हम ये जो लैंड है इसको डोनेट कर रहे हैं इन रिलीजियस पर्पजेस के लिए, तो आचार्य चंदला स्वामी इनको ये डोनेट कर देती हैं। अब इसके बाद बोला जाता है जितने भी हमारे ग्राम कुटुंबनास हैं यानी कि जितने भी हाउस होल्डर्स हैं, पीजेंट्स हैं, जितने भी लोग उस विलेज में रह रहे हैं, अब इन सभी को इन ब्राह्मण की बातों को मानना है, इनके कमांड्स को फॉलो करना है, पूरा ये जो लैंड है ये इनको दे दिया गया है, अब इनको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना है, बल्कि इनको अगर कोई टैक्स लेना है तो ये अपने पॉपुलेशन से ले सकते हैं, बेसिकली ये यहाँ के हेड बन जाते हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, लास्ट में दिया हुआ है ये, दिस चार्टर हैज बीन रिटन इन द 13th रीजनल ईयर, यानी कि इनके रूल पे आने के 13th ईयर पे, रूल के आने के 13 ईयर बाद इन्होंने ये ऑर्डर पास किया है और इसको इंग्रेव किया है चक्रदास ने। तो ये हमें देखने को मिल जाता है इस पूरे बॉक्स में, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट आता है द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। यहाँ पे हमें देवनामपिया पियदसी जो कि एक टाइटल है हमारे किंग अशोका के लिए, ये भी आपको टर्म याद रखना है, इनके हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये बताते हैं कि आज के पहले मेरे पहले कोई रेगुलर रिपोर्ट्स देखने का सिस्टम नहीं था, लेकिन मैं इसको लेके आया हूँ। हालांकि इसको एग्जेजरेशन बताया जाता है इनका खुद की तारीफ में। ये बोलते हैं कि पार्टी वेदकास जो है, जो कि मेरे रिपोर्टर्स हैं, ये मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ आप मेरे पास आ सकते हो, अगर कोई भी अफेयर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप रिपोर्ट लेके मेरे पास आ सकते हो, मैं तुरंत उसको सॉल्व करूंगा। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, आप पूरे वर्ड्स इसको देख सकते हैं। अगला हमारे पास आता है द एंग्विश ऑफ द किंग। एंग्विश यानी कि मेंटल सफरिंग से फिर पेन ऑफ द किंग। तो यहाँ पे हमें सिंपल से वर्ड्स में देखने को मिलता है कि देवनामपिया पियदसी हमारे अशोका कलिंगा को कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद वो धम्मा की स्टडी करना चालू करते हैं, रिलीजियस साइड में चले जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि कितना ज़्यादा गलत है इतने सारे लोगों को मारना, तो उनकी मेंटल सफरिंग का यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है, सीधे इसके हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका आता है 8 forms of marriage, बहुत simple language में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा important आता है a mother's advice, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब war होने वाली थी Kauravs और Pandavs के बीच में, तो गांधारी एक last attempt लेती है अपने बेटे दुर्योधन को समझाने के लिए कि बेटा यहाँ पे greed और anger से कोई मतलब नहीं है, आपको war नहीं करना चाहिए, लेकिन at the end होता यही है कि दुर्योधन war करते हैं और हार जाते हैं। तो इसको एक बार बहुत सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट आता है जस्ट नेक्स्ट वाला a divine order, ये वाला बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी भी है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी आते हैं कि ब्राह्मण्स कैसे बने थे, माउथ से, क्षत्रिय, आर्म्स, बहुत बेसिक सा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वाला हमारा आता है प्रॉपर सोशल रोल्स, तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि आप में ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी, हमारे गुरु द्रोण और एकलव्य की स्टोरी, जहाँ पे जो गुरु द्रोण है वो अपनी फीस मांगते हैं एकलव्य से और एकलव्य से बोलते हैं अपना राइट हैंड का थंब दे दो ताकि वो बेस्ट आर्चर ना बन पाए, क्योंकि गुरु द्रोण ने वर्ड्स दिए थे कि अर्जुन को मैं अपना बेस्ट आर्चर बनाऊंगा अपना डिसिपल्स में से। तो एट द एंड यही होता है, जो हमारा एकलव्य है वो अपना थंब दे देते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, एकदम सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल वर्ड्स में दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट बॉक्स देखने को मिलता है हमारा द्रौपदी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो CBSE ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें भी उसने यही डाला था, लेकिन इसको एक दूसरे साइड से आप देख सकते हो कि सैंपल पेपर में डाला तो क्वेश्चन पेपर में तो नहीं डालेंगे, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एक और चीज, आप जो सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन ही थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। द्रौपदी मैरिज, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, ये बहुत सिंपल से वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको आप नॉर्मली एक बार पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, इवन ये वाला जो मैंने मार्क नहीं किया है, अ प्रेयर टू अग्नि, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, शायद ये पहले एक बार बोर्ड में आया भी है। फैटलिस्ट एंड मटीरियलिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है, इसको अच्छे से सुनिएगा फिर एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया सिंपल से ये बात होती है कि किंग अजातशत्रु गौतम बुद्ध को विजिट करने जाते हैं और फिर अपने एक टीचर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने मुझे ये बताया था। तो दो आइडियोलॉजी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, सबसे पहले टीचर है मखाली गोशाला, फैटलिस्ट को जो बिलोंग करते हैं, ये बताते हैं भाई जिस इंसान को जितना भी प्लेजर मिलना है, जितना पेन मिलना है, वो तो उसको मिलना ही मिलना है, ना तो हम अपने कर्मा से उसको बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली
आइडियोलॉजी है, ये जो हमारे टीचर हैं आजीविका ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, ये फेटलिस्ट कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद दूसरी हमें आइडियोलॉजी देखने को मिलती है अजीता केसा काम्बल इनकी। इनका बेसिकली ये बताया गया है कोई ऐसी चीज़ नहीं होती सेक्रीफाइस करना या फिर ऑफरिंग्स करना, इससे हम कोई भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ फोर एलिमेंट से बने। जब हमारी डेथ होती है तो अर्थी पार्ट जो हमारे वो अर्थ से मिल जाता है, फ्लूइड वाटर, द हीट टू फायर, द विंडी टू एयर एंड द सेंसेस पास इन टू स्पेस। तो ये एक सेकेंड आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है जो कि बोलती है कि हमें कोई भी हम गिफ्ट देते हैं या फिर कोई भी ऑफरिंग्स करते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ सेंसलेस चीज़ें हैं। तो ये जो दूसरी आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है ये लोकयाच ट्रेडिशन का पार्ट है। अनलकीली इनके कोई हमें टेक्स्ट इस ट्रेडिशन के देखने को नहीं मिलते, तो जो बाकी ट्रेडिशंस हैं उनके थ्रू हमें इसके बारे में पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है हमारा रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ये वाला जो बॉक्स है बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसमें सिर्फ इतना बताया कि मॉन्क्स और नन्स के क्या क्या रूल्स होते थे, आपको ब्लैंकेट कितने साल तक चलाना है, किस तरीके से अपनी मील्स लेना है, कितना खाना है, सिंपल से रूल्स है, नॉर्मली लिखे गए, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। सीधा हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स के ऊपर जो कि हमारे चैप्टर 6 से होने वाला है। सबसे पहला हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 का बॉक्स आता है अ डीमन। तो ये वाले बॉक्स को आप पढ़ लीजिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से आ जाते हैं भाई कि करैक्कल अम्मैया किन गॉड्स की तरफ डिवोटेड थी, और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप चैप्टर पढ़े तो आपसे सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वाला आता है द पिलग्रिमेज ऑफ मुगल प्रिंसेस जहानारा। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल से इसमें बताया गया जहानारा का एक्सपीरियंस, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में भी नहीं दिया हुआ है वो। ये जो बाकी नॉन इंपॉर्टेंट वाले इनको भी आपको एक बार रीड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके रीड जरूर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 हमारा आखिरी चैप्टर आ जाता है, तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में जो बॉक्स है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमारे कॉलिन मैकेंजी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर के। तो जितनी भी डिटेल्स इनके बारे में दी हुई है इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ हमारे सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस कवर हो चुके हैं। अब आपको सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, सबको एक बार फटाक से रीड कर लेना है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और एक लास्ट बार सॉरी इतना लेट इस वीडियो को डालने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।